भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज महज सोशल मीडिया के जरिए ही विदेश में बैठे कई लोगों की जिंदगी बचा लेती हैं। इसकी वानगी आपने कई बार देखी होगी, लेकिन अगर बात किसी पाकिस्तानी शख्स की मदद करने की हो तो जी हाँ, आप सोचेंगे बेशक उनकी कोई मदद नहीं हो सकती, लेकिन सुषमा ने एक पाकिस्तानी बच्चे का भारत में इलाज करवाने के लिए सारे रास्ते खोल दिए। एक पाकिस्तानी शख्स ने सुषमा स्वराज को ट्विटर के जरिए मदद की गुहार लगाई और सुषमा तुरंत मदद के लिए भारत में इलाज करवाने और वीजा देने के लिए कहा। पाकिस्तान के निवासी केन सिड ने ट्वीट कर अपने बच्चे के इलाज के लिए मदद मांगी थी। सिड ने 31 मई को अपने ट्वीट में लिखा था, मेरा बेटा क्यों इलाज के लिए परेशान, क्या कोई जवाब है आपके पास सरताज अजीज या सुषमा मैम। इस ट्वीट के जवाब में सुषमा स्वराज ने कहा था कि वो वादा करती हैं कि उनके बेटे का इलाज होकर रहेगा। उन्होंने लिखा था, नहीं, बच्चा किसी तरह पीड़ा में नहीं रहेगा, आप पाकिस्तान स्थित भारतीय हाई कमीशन से बात करें, हम मेडिकल वीजा मुहैया करवाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिड के बेटे के दिल की सर्जरी होनी है। उनका परिवार भारतीय वीजा के लिए बीते 3 महीने से प्रयास कर रहा था। सुषमा के आश्वासन के बाद पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने इस 28 साल के पाकिस्तानी बच्चे के इलाज के लिए उसे और उसके परिजनों को भारत का वीजा दे दिया है। ये पहली बार नहीं है जब स्वराज ने सोशल मीडिया के जरिए किसी जरूरतमंद की मदद की हो। सुषमा स्वराज इससे पहले भी कई बार महज सोशल मीडिया पर मांगी गई मदद के जरिए भी आम लोगों की मदद कर चुकी है। Indolence.